और कोई भी बुराई, कोई भी बददुआ, कोई भी बुरी चीज मेरी बेटू को छू नहीं पाएगी। एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब, मुझसे जरूर शेयर करिएगा। आज मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा रही हूँ। थोड़ा सा शाम हो चुकी है तो धूप ऑलरेडी से जा चुकी है। छः सवा छः बजे का टाइम हो रहा होगा। आज मैं ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब 6 बजे मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। पेटू ने कितना ज़्यादा फैला करके रखा हुआ है सामान, पूरी बुक्स वगैरह। ये पढ़ाई कर रही थी अभी, मैं इसको बैठ करके पढ़ा भी रही थी थोड़ी देर से, तो आप देख सकते हैं पूरा सामान। बच्चे ऐसे होते हैं ना, खेल खेल में पढ़ते हैं, उनको मतलब ऐसे नहीं रहता है, तो ये ऐसे ही करती है हमेशा। बट मैं समेटती रहती हूँ सामान को, तो फिर घर साफ़ रहता है। कभी कभी आपको दिखा देती हूँ, कभी कभी नहीं दिखाती हूँ। तो ये पूरे घर में सामान है, और आज वैसे भी मेरा घर बिखरा पड़ा हुआ। आज मैंने सुबह से कुछ भी क्लीनिंग वगैरह नहीं की थी, तो आज मेरा पूरा घर ही ऐसा पड़ा है। क्लीनिंग मतलब वो वाली क्लीनिंग, सामान नहीं समेटा था, बाद बाकी तो सारी क्लीनिंग है। तो यहाँ पर ये सो रहे हैं, आज इन्होंने अपने जो ऑफिस है उससे ऑफ लिया था। मैं आ गई हूँ घर को एक सा साफ करने के लिए, अरेंज करने के लिए। आपको पता है मुझे उलझन रहती है, मुझे गंदगी नहीं पसंद है, चाहे कहीं भी हो मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं उसको साफ़ करती रहती हूँ टाइम टाइम पर। सबसे पहले मैं पूरा घर एक सा अरेंज कर लूँगी। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, और मैंने ये जो टॉप पहन रखा है, ये मैं बता चुकी हूँ कि गौरी भूल गई थी यहाँ पर, तो गौरी का टॉप है ये, तो मैंने आज पहन लिया इसको सेकेंड टाइम। तो इसमें बहुत गर्मी लग रही है मुझे, मैं सोच रही हूँ काम वाम कर लूँ तो फिर शाल ले लूँगी। थोड़ा सा ठीक रहता है गर्मियों में, ऐसा कोई इशू नहीं है ना कि एक बार लो दो बार लो, तो शाल ले लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश लगने लगेगा। और कोई भी बुराई, कोई भी बददुआ, कोई भी बुरी चीज़ मेरी बेटू को छू नहीं पाएगी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं, और उनके साथ भगवान हमेशा रहते हैं। बड़ों के छल कपट भगवान देखता है, बट बच्चे एकदम निश्चल होते हैं, प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं, पवित्र होते हैं। तो बच्चों के साथ कुछ गलत हमें नहीं करना चाहिए, बच्चों के लिए हमें कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। भगवान करे इस दुनिया का हर बच्चा महफूज रहे, हिफाजत से रहे। कौन था? क्या हो गया? कब आए बताओ? आप सबको हेलो बोल दो सोना। हाय गाइज। ओहो, मैंने तो हेलो बोला, आपने तो हाय गाइज बोल दिया। मेरा सोना, मेरा बच्चा, मेरी क्यूटी पाई। आई क्यूटी पाई को पकड़ो 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 पकड़ो। तो यहाँ पर जो हॉल है वो क्लीन हो चुका है, और किचन में अभी मौमिता आई थी तो वो बर्तन करके गई है, वो लगाने हैं मुझे। इधर वाला रूम सही करना है, और इधर बस थोड़ा सा ही सामान है, इसको मैं ऐसे ही हटा दूंगी। शूज क्यों पहन लिए, कहाँ जा रही हो? हम ये कह रहे शूज क्यों पहन लिए, कहाँ जा रही हो? कौन से मॉल, कौन ले जा रहा तुम्हें मॉल, मॉल कौन ले जा रहा? पापा, विशाल चलो। कोई नहीं जाएगा विशाल, पापा जा रहे हैं वॉशरूम साफ करके नहाएंगे अभी। क्या तो नहाने के बाद चले? दो दिन से कह रही बेचारी उसकी तबीयत खराब है। हाय गाइस। हाय गाइस, हेलो। हाय, हेलो गाइस।
मैंने इस रूम से भी सारे कपड़े वगैरह जो थे वो समेट करके रख दिए थे अलमीरा में। फिर मैं काम करती हूँ ना, बेटू बहुत हेल्प कराने के लिए आगे आगे भागती है कि मुझे भी हेल्प करनी है मम्मा आपकी, मुझे भी हेल्प करनी है। तो आप देख सकते हैं कितनी क्यूट लग रही है साथ साथ। बेटियाँ कितनी प्यारी होती हैं ना, सब काम में, छोटी सी है बिल्कुल, और कितना काम में हेल्प करती है, ये लाना वो लाना। तो मुझे, मैं कभी कभी ये चीज़ें देख करके इमोशनल हो जाती हूँ कि बड़ी हो जाएगी, ससुराल चली जाएगी, शादी हो जाएगी, भगवान करे मेरी बेटी को बहुत अच्छी ससुराल मिले, बहुत अच्छी फैमिली मेम्बर्स मिलें ससुराल में, हर कोई उसको पलकों पे बिठा करके रखे, उसे कभी कोई किसी चीज़ की कमी ना आए। उससे पहले तो खैर बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, पढ़ाई लिखाई कुछ बनना है उसे, बट फिर भी ऐसे लगता है ना कि हाँ, जिनकी बेटी होती है वही दूसरों की बेटी का दर्द समझ सकते हैं। तो खुद बातों बातों में ही पूरा घर क्लीन हो चुका है, और मैडम देखिए कैसे बैठी है डैडी के साथ, फिर से गाड़ी निकाल रही है, ऐसे सामान निकालती रहती है, मैं समेटती रहती हूँ निकालती रहती हूँ। घर के काम के बाद मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा आज स्किन केयर कर ली जाए, काफ़ी दिन से ध्यान नहीं दिया है। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रही हूँ बाओ का एलोवेरा पील ऑफ जेल मास्क। ये एकदम नेचुरल फेस मास्क है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें किसी तरीके के कोई केमिकल्स नहीं है, जैसे सिलिकॉन्स पैराबीन नहीं है, और किसी भी तरीके का कोई कलर भी नहीं डाला गया है प्रोडक्ट को कलरफुल बनाने के लिए। तो इस वजह से मैं इसी मास्क को अप्लाई करती हूँ जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है। वैसे आप चाहें तो आप इसे एवरी वीक अप्लाई कर सकते हैं, बट हाँ थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम की कमी रहती है, इस वजह से मैं नहीं लगा पाती हूँ। बट जब भी मुझे टाइम मिलता है थोड़ा सा लगा लेती हूँ। तो आज मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है, क्लीन फेस में मैं इसको लगा रही हूँ। एक थिन सी लेयर बना लूँगी अपने फेस पर और इसको 10 से 15 मिनट तक के लिए सुखा लूँगी। थोड़ा सा गर्मी चल रही है ना, तो आप फ़ैन एसी में बैठ जाए तो सूखेगा, वरना फिर स्वेटिंग होती रहेगी तो ये सूख नहीं पाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये अप्लाई हो चुका है फेस पर। अब मैं इसको आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स पील ऑफ कर दूंगी। पील ऑफ मास्क है, आप इसको इजीली लगा सकते हैं। ये आपकी स्किन से सारी डर्ट इनप्योरिटीज़ वगैरह पॉल्यूशन वगैरह सब कुछ पील ऑफ कर देगा और आपकी स्किन को एकदम हेल्दी क्लीन क्लियर बना देगा। काफ़ी अच्छा फेस मास्क है, मुझे बहुत पसंद है और मुझे मेरी स्किन को बहुत फ़ायदा भी करता है। इसका परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जा करके इसको ऑर्डर कर सकते हैं और अपने लिए एक हेल्दी सा नेचुरल सा फेस मास्क ले सकते हैं। इसमें कोई झंझट नहीं होता है और साथ ही साथ आपकी स्किन में इंस्टेंट आपको रिजल्ट देखने को मिलता है कि हाँ थोड़ी सी क्लियर हो जाती है आपकी स्किन पहले के अकॉर्डिंग। अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। जब भी मैं बाहर आती हूँ, जब भी घर से बाहर आती हूँ, घर में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, और यहाँ की जो रोड है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा सुकून रहता है, एकदम माइंड फ्रेश हो जाता है, चारों तरफ बहुत अच्छा लगता है, बहुत रौनक सी लगती है।
और नन्नू विशाल आए और कोई टॉय ना ले, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वो देखी कैसे लिए लिए भाग रही है, उसको ये लग रहा है कि मैं ले करके वापस रख दूंगी। मैं क्या खाया जो तुम्हें मजा आ गया इतना? ये क्या है? कटाई नान कटाई। बचपन की बिस्किट जो मिली है 14 साल बाद मिलते नहीं थे ना कहीं? लखनऊ में भी नहीं, बहुत ऐसे मिले नहीं थे बचपन में ऐसे। ये वाले बहुत अच्छा। हमने यार एक भी नहीं खाया, हम खाएंगे घर जाके खाएंगे अभी, है ना? अभी कभी खाना खाने का मन है। बचपन में मिलते थे पर साइज बड़ा होता था। कितने अभी कितने खा दिए? दो। झूठ, तीन चार लपेट गई हो। नन्नू खेल रही अपने खेल और हम लोग गए थे बाहर थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। और टाइम कितना हो रहा है? टाइम देखती हूँ पहले। 9:30 9:30 हो गया है, जो बिल्कुल भी गलत टाइम बताया गया, एकदम झूठ। 5 भी एकदम गलत टाइम बताया गया है। नन्नू को बहुत ज्यादा मस्ती आ रही, बाहर भी मस्ती करके आई थी और अभी भी मस्ती आ रही है। ये है नन्नू के खिलौने। गंदे खिलौने, ये देखो, ये रो। गंदे है तो फिर लिए क्यों? गंदे है फिर लिए क्यों? फिर इसी से पिटाई लगेगी, इससे, हॉकी से। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। चिल्ला रही है, लो पकड़ो। मन ना, एक्चुअली मेरा मन सुबह से ही खराब था, और थोड़ा बहुत नहीं खराब था, बहुत खराब था। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगी वाली बात। और एक कम्युनिटी भी मैंने पोस्ट की थी, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता चल चुका हो। आउच, ऊपर ही गिर पड़ी। जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें पता चल चुका होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अब सारे लोगों को तो तभी पता चलेगा ना जब मैं बताऊंगी। सो वही है, कभी फुर्सत से बताती हूँ आप लोगों को। फिलहाल तो नन्नू बहुत परेशान कर रही है। नन्नू इतनी सी जगह बना लेती है। मतलब माइंड में सोच लिया था कि मैं प्याज के पराठे बनाऊंगी आज, खाने का बहुत मन था, खाने का मन था बहुत ज्यादा। तो फिर नन्नू का नहीं, चलो चलते हैं बाहर। पहले मैं गई विशाल, सुना लगा तो नहीं कैमरा, चोट तो नहीं है बाबू?
खुजली मछली उधर खिसको थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा विशाल गई वहां से कुछ सामान लाई हूँ, शॉपिंग है वो आपको मैं आज नहीं दिखाऊंगी, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। आज थोड़ा सा थकान सी हो गई है और मेरा चेहरा आज कैसा लग रहा है, आज मैंने बहुत दिन बाद अपने फेस पे कुछ लगाया है। सच में घर के काम के चक्कर में, इन सारे कामों के चक्कर में, मतलब अपनी केयर करना भूल ही जाओ, अपनी फेस की केयर करना भूल ही जाओ। तो आज सोचा मैं लगा लेती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। ये फेस मास्क बहुत अच्छा, मैं काफ़ी बार इसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो आप लोग भी देखना, आई रियली होप आपको भी पसंद आएगा। और आज बाल बहुत चिप चिप से हो रहे थे, फिर थर्सडे था तो फिर धुलने का प्लान कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके हाय गाइज, अभी जो नन्नू ने किया है वो आपको नन्नू के चैनल मिस देवन्या पे देखने को मिलेगा, जो नन्नू अभी अभी करके हटी है। हम लोग इतना हंस रहे थे, अब नहीं, अब मम्मा बात करेगी, तो अब मम्मा बात करेगी, इसने क्या बात बोली, नन्नू ने बहुत हंसा दिया आज। तुम्हें हो क्या, बच्चे देखिए भगवान का रूप होते हैं ना, इसी को बोलते हैं। इसको पता नहीं अचानक से अभी क्या हो गया, कैमरा ऑन करते ही एकदम मतलब मूड में आ गई, इतना गारी गारी गारी, देखिए क्या क्या बोल रही है, हंसते हंसते हम लोग वो हो गए। आपको भी, आपको तो आई रही, आप तो हंसा ही रही हो मम्मा को पापा को। पूरा दिन से मेरा मन खराब था और मेरी बेटी ने मुझे इतना हंसा दिया, इतने मासूम, कितने मतलब छल कपट से दूर सारी चीजें, कितना मतलब इनके अंदर प्योरिटी होती। कहते नहीं है 5 साल तक बच्चे में भगवान वास करते, ऐसे बोला जाता है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो ये कितने प्योर होते हैं, इनको दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं होता है, हम बड़े क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे इनको कुछ मतलब नहीं होता है। ये सुबह से नन्नू एकदम मतलब मस्ती कर रही है, हंस रही है, खुश हो रही है। तो ऐसे बच्चों के साथ जब कोई गलत करता है ना, तो फिर भगवान को भी खराब लगता है। कितने सारे केसेस होते रहते हैं, कोई बच्चे को मतलब दुख देता है, कोई तकलीफ देता है, कोई मतलब किसी तरीके से परेशान करता है, कोई किसी तरीके से परेशान करता है, बट बच्चे इतने मासूम होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। अगर बच्चे के साथ कुछ गलत किया जाता है ना, तो भगवान उसको कभी भी माफ नहीं करते। तो चलिए फ्रेंड्स, नींद आ रही बहुत तेज इनको भी, मुझे भी, और बेटू ऑलमोस्ट हाँ सो ही गई है लगभग। बच्चे हैं तुरंत लेटते हैं, तुरंत सो जाते हैं, उनको टाइम नहीं लगता है सोने में। मैं भी जा रही हूँ अपना काम करती हूँ, फिर सोती हूँ, फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। आपको ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे एक लाइक दे दीजिएगा, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। चलिए अपना साथ और प्यार ऐसे देते रहिए, जल्दी मिलूंगी आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।